लॉकडाउन के दौरान शासन प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, हर गरीब तक अन्न किसी भी प्रकार से भेजने की संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। जहां शासन और प्रशासन लगा हुआ है, वहीं कुछ युवा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखने में पूरी तरह से समर्पित होकर लगे हैं। ऐसे ही हासाखेड़ी के सुमित आंजना भी अपने क्षेत्र के लोगों को अपनी टीम व अपने दोस्तों के सहयोग से पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। ये जो गरीब परिवार, बेसहारा परिवार और मध्यवर्गीय परिवारों को आप राशन वितरण कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये लॉकडाउन जैसे ही चालू हुआ था उसके 4-5 दिन बाद हमने देखी घर घर समस्या चल रही थी, कुछ तेल नहीं मिल रहा था, शक्कर नहीं मिल रही थी, बहुत जगह से खबर आ रही थी कि भाई साहब हमें नहीं मिल रहा। उसके बाद हमने और हमारी पूरी टीम ने एक मीटिंग ली, उसके बाद फिर हमने सोचा कि कुछ न कुछ हमारी तरफ से कुछ न कुछ मदद करने का सिलसिला चालू कर। उस 4-5 दिन के बाद हमारे अभी लगातार 15 से 20 दिन हो गए, लगातार मदद करते रह रहे हैं और हमें फ़ोन आ रहे हैं और सबकी हॉस्पिटल, कल भी बॉम्बे हॉस्पिटल में था मैं एक ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए, और निरंतर सेवा चलती जा रही हॉस्पिटल से लगा के घर तक के राशन के लिए। सुनने में ये आया है कि आप कोई किसी की तबीयत खराब हो या कोई बीमार हो, आपको फ़ोन लगाता है तो आप तुरंत उसके यहाँ घर गाड़ी लेके जाते हैं, सही बात है? नहीं, वो तो 24 घंटे है तो सब देख रहे हैं चल रहा है जैसा चल रहा है, और निरंतर सेवा दे रहे हैं, गाड़ी जा रही है, हमारे मित्र भी सब लगे हुए हैं निरंतर। मैं कभी कुछ राशन के कार्यक्रम में लगे हूँ तो मेरे दोस्तों गाड़ी उठा के घर से निकलते हैं और सेवा दे रहे हैं निरंतर। कब तक रहेगी ये सेवा? ये सेवा तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा जब तक रहेगी।